एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है व्हेन ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है फर्स्ट पार्ट 2a + 2b यानी यहां पर मैं 2 लिखूंगा a, जहां पर भी a होगा वहां पर क्या लिखना है 0 और b के बदले 1 -1 तो 2 * a यानी 2 * 0 प्लस 2 * b b के बदले -1 यानी 2 - -1 ये हो गया 2 * 0 हो गया 0 ये प्लस * माइनस माइनस आ जाएगा 2 * 1 2 0 -2 is equal to -2 तो -2 इसका आंसर। सेकंड पार्ट करेंगे 2a² + b² + 1 तो मैं लिखूंगा 2 * a² के बदले क्या लिखूंगा 0² प्लस b² के बदले -1 यानी b² आएगा तो इसके बदले -1² प्लस आ जाएगा a प्लस 1 2 * 0² हो गया 0 -1 * -1 यानी -1² = +1 प्लस 1 और ये अपना प्लस 1 तो 0 + 1 + 1 = 2 तो इसका आंसर है। थर्ड पार्ट 2a² + 2ab² + ab तो ये बनेगा 2a² यानी 0² * b b के बदले क्या लिखूं मैं -1 प्लस 2a a के बदले 0 b के बदले -1 और ये स्क्वायर है ये -1 का स्क्वायर प्लस a यानी 0 * a * b 0 * -1 यहां पर 0 है मल्टीपल में तो ये होल टर्म 0 बनेगी। इसी तरह से 2 * 0 * -1² तो ये भी 0 बनेगी प्लस 0 * -1 3 * 0 0 + 0 + 0 = 0 तो 0 इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट करेंगे a² + ab + 2 तो a² के बाद क्या लिखूंगा 0² + a यानी 0 * a * b -1 0 - 1 + 2 तो ये 0² है ये बनेगा 0 प्लस 0 * -1 हो गया 0 प्लस 2 ये क्या बनेगा 0 + 0 + 2 = 2 सो 2 इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2 यहां पर पहले सिंपलीफाई करनी है एक्सप्रेशन फिर क्या जहां पर भी x होगा वहां पर x के बाद क्या लिखना है 2 यानी x = 2 पहले सिंपलीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है x + 7 + 4 of x - 5 पहले सिंपलीफाई करना मैं लिखूंगा x + 7 ये 4 * x - 5 यानी 4 * x हो गया 4x प्लस * माइनस माइनस हो गया 4 * 5 हो गया 4 * 5 = 20 तो ये बनेगा 4x + x कितना आएगा 5x ये कांस्टेंट ये 7 है और -20 7 + 7 - 20 हो जाएगा -13 हो गया सिंपलीफाई। इसके बाद क्या करना है जहां पर भी x होगा उसकी वैल्यू 2 लिखना है सो ये 5 * x है यानी 5 * 2 लिखता है -13 5 * 2 = 10 -13 10 - 13 कितना हो गया -3 तो -3 इसका आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट 3 of x + 2 + 5x - 7 सो 3 * x हो गया 3x प्लस 3 * 2 = 6 प्लस है अपना 5x - 7 ये लाइक टर्म्स है 3x 5x ये दोनों लाइक टर्म 3x + 5x हो गया 8x कांस्टेंट को अलग में जमा करूंगा ये -6 - 7 हो गया -1 तो ये सिंपलीफाई हो गई। इसके बाद पुट x = -x = 2 यहां पर मैं लिख सकता हूं पुट x = 2 तो ये बनेगा 8 * x हो गया 8 * 2 - 1 8 * 2 = 16 -1 हो गया 15 तो 15 इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट 6x + 5 of x - 2 ये बनेगा 6x + 5 * x हो गया 5x प्लस * माइनस हो गया -5 * 10 6x + 5x हो गया 11x -10 अब x की वैल्यू क्या देनी है पुट x = 2 पुट x = 2 ये बनेगा 11 * 2 - 10 11 * 2 = 22 - 10 ये हो जाएगा 22 - 10 हो जाएगा 12 तो 12 इसका
आंसर है। इसके बाद चौथा पार्ट है 4 ऑफ 2x minus 1 plus 3x plus 11 ये 4 to the 8 into x plus minus minus 4 1 the 4 ये plus 3x बनेगा plus 11 तो right term को मैं अलग रखूंगा यानी 8x plus 3x 8x और 3x कितना हो गया 11x फिर minus 4 plus 11 ये बनेगा plus 7 okay simplify इसके बाद x is equal to put x is equal to 2 तो ये बनेगा 11 into x is equal to 2 plus 7 ये बनेगा 11 to the 22 plus 7 22 plus 7 हो गया 29 तो 29 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 है सिंपलीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x is equal to 3 a is equal to minus 1 b is equal to minus 2 यानी जहां पर भी x होगा वहां पर 3 लिखना है जहां पर भी a होगा वहां पर minus 1 लिखना है और जहां पर भी b होगा वहां पर minus 2 लिखना है तो फर्स्ट पार्ट है 3x minus 5 minus x minus 9 पहले सिंपलीफाई करना है यानी 3x लाइक टर्म फुल कौन कौन से हैं 3x minus x 3x minus 1 x हो गया 2x 3 कांस्टेंट टर्म minus 5 minus 9 हो गया minus 14 इसके बाद ये x की वैल्यू लगा x की वैल्यू क्या है 2 ये बनेगा 2 into x यानी 2 into ये x की वैल्यू 3 है minus 14 2 3 10 6 minus 40 6 minus 40 कितना हो गया minus minus 8 तो minus 8 इसका आंसर है सेकंड पार्ट 2 minus 8x plus 4x plus 4 ये कांस्टेंट टर्म है 2 और 4 कितना बनेगा 2 और 4 6 minus ये minus 8x यहां ये दोनों लाइक टर्म हैं x से दोनों में minus 8x plus 4x 8 minus 4 हो गया 4 यानी minus 4x बनेगा ये फिर ये x का वेरिएबल x की वैल्यू क्या लगानी है 3 ये बनेगा 6 minus 4 into 3 6 minus 4 is 12 और 6 minus 12 बनेगा minus 6 तो minus 6 इसका आंसर है थर्ड पार्ट 3a plus 5 minus 8a plus 1 लाइक टर्म्स है 3a 8a दोनों में a है तो ये plus 3a ये minus 8a है 3 minus 8 कितना बनेगा minus 5a कांस्टेंट को अलग से मिला रहे हैं plus 5 plus 1 हो गया 6 अब यहां पर वेरिएबल है a a की वैल्यू क्या लगानी है minus 1 तो ये बनेगा minus 5 into a यानी minus 5 into minus 1 plus 6 ये minus 2 minus plus हो जाएगा 5 1 that 5 plus 6 5 plus 6 is equal to 11 तो 11 इसका आंसर है फोर्थ पार्ट पर आएंगे 10 minus 3b minus 4 minus 5b तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन है 10 minus 4 10 minus 4 हो गया 6 ये minus 3b minus 5b हो गया minus 8b इस बार b की वैल्यू लगानी है b की वैल्यू क्या है minus 2 6 minus 8 into b यानी 8 into minus 2 6 minus 8 minus plus 8 to the 16 ये हो जाएगा 6 plus 16 is equal to 20 22 इसका आंसर है फिफ्थ पार्ट पर आएंगे 2a minus 2b minus 4 minus 5 plus a लाइक तो कौन कौन है 2a और यहां पर a है 2a minus 1a हो गया 1a एंड a minus minus 2b ठीक है ये ऐसे रहेगा minus 4 minus 5 हो गया minus 9 इस बार a की भी वैल्यू लगानी है और b की भी a की वैल्यू क्या है minus 1 तो a के बदले इसको क्या कहें minus 1 minus 2 into b की वैल्यू क्या है minus 2 और ये minus 9 अपना 9 ये minus 1 ये minus into minus plus 2 into 2 4 minus 9 अब ये minus 1 और minus 9 हो गया minus 10 plus 4 minus 10 plus 4 कितना बनेगा minus 6 तो minus 6 इसका question number 8 है if z is equal to 10 find the value of z cube minus 3 of z minus 10 z की वैल्यू क्या लगानी है 10 तो पहले हम मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा एक्सप्रेशन है z cube minus 3 of z minus 10 पहले मैं सिंपलीफाई करूंगा या ऐसे ही यहां पर सिंपलीफाई नहीं करना है z की वैल्यू क्या दी है यहां जहां पर z होगा वहां पर 10 लिखना है तो ये z cube है z के पहले 10 और cube है cube ऐसे ही cube रखूंगा minus 3 of z z के पहले 10 लिखूंगा फिर ये अपना 10 होगा
ये बनेगा 10 × 10 × 10 ऐसे 10 × 10 × 10 हो गया 3 × 0 × 1 × 1 × 1 = 1000 माइनस 3 × 10 − 10 कितना हो गया 0 तो ये बनेगा 1000 माइनस 3 × 0 हो गया 0 तो आंसर है 1000 इसका आंसर है इसके बाद सेकंड पार्ट इफ p इज इक्वल टू माइनस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100 तो एक्सप्रेशन क्या है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100 तो जहां पर भी p होगा वहां पर क्या लिखना है माइनस 10 पहला p स्क्वायर है तो p के बाद ही लिखूंगा मैं माइनस 10 और इसका स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर रखूंगा ठीक हो गया फिर माइनस 2 * p p के बाद है माइनस 10 फिर माइनस 100 तो ये बनेगा माइनस 10 * माइनस 10 10 * 10 को हो गया 100 फिर माइनस * माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस * माइनस हो जाएगा प्लस 10 * 2 = 20 और ये अपना माइनस 100 ये प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल हो जाएगा यहां क्या बचा 20 तो 20 इसका आंसर है